पे कुछ है धुआं, शायद आपको कैमरे में ना दिखे, एक बार मैं ट्रायल करता हूँ कि आप धुआं देख सके। ये आग नहीं लगी, ये धुआं निकल रहा है। नहीं, लेदर पैड जल गया अंदर। जो अंदर पैड होते हैं ना, एक तो स्प्रे कर रखा है स्प्रे की तो, हाँ, और ऊपर से डाउन में पैर रख के चलाते हैं, जिसकी वजह से इतना धुआं दिख रहा है। अरे ब्रेक से पैर में दबा के चल रहे हैं इसलिए। डाउन में गाड़ी बंद करके निकलता है इतना ज्यादा नहीं। अभी चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो देखते हैं गाड़ी में क्या है प्रॉब्लम और उसका क्या है सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मोनू भाईवाद। दूसरा दिन है और कल रात को थोड़ा देर पहुँचे थे और गाड़ी में थोड़ी सी खराबी है, गाड़ी पीछे टायर जो है थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है और यहाँ पे काम चालू है। टायर खोल लें और देखते हैं कि मेरे जो हमें लगता है क्या प्रॉब्लम लगती है। स्प्रिंग टूटने की, जो ब्रेक शू के स्प्रिंग है, स्प्रिंग ख़राब हो चुके हैं क्योंकि जो इसके राइडर थे उस पर पैर ब्रेक पे पैर रख के चला रहे थे, जिसकी वजह से ब्रेक शू काफ़ी गर्म हो जाते हैं और ब्रेक के स्प्रिंग टूट जाते हैं। तो एक बार खोल कर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी, एक बार इसको खोल लेते हैं। स्प्रिंग तो ठीक है, तो स्प्रिंग तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। देख माल भी तो नहीं लाए? नहीं देख माल है, तो अभी क्या करेंगे हम? देख माल से रगड़ के लगा देते, ब्रेक से तो ठीक है। एक्स्ट्रा ब्लेड ले लो ना। चलिए एक्स्ट्रा ब्लेड से घिस के फिट करते हैं इसको। तो ब्रेक शू को कुछ इस तरीके से घिस लेते हैं। इससे वो दोबारा काम करना चालू कर देंगे ब्रेक शू, क्योंकि चिकने हो जाते हैं उसकी वजह से काम नहीं करते हैं। तो हमारे दो लोग बाहर रह गए थे, उनको लेने के लिए जा रहे हैं। सर अभी कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं सर? हम एक राउंड लगा के गाड़ी ऑन टेस्ट एनसीआरई पे। ओके ओके, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। और ये देखिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी को चला रहे हो विदाउट हेलमेट, ये आप नोटिस करना वीडियो में, बिना हेलमेट के चला रहे हैं, पर ये बहुत गलत चीज़ है। और कुछ लोग होते हैं ना समझने नहीं चाहते हैं, वो लोग ये बिना चप्पलों के भी हैं। देखिए क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोंडे लोग जाते हैं ना लड़के, वहाँ पर इस टाइप की हरकतें नॉर्मल आम चीज़ है। अब चल रहा है चैन स्प्रे सेशन। तो अभी हमारे पास है चैन लिक्विड, चैन स्प्रे, मतलब ये लिक्विड वाला है ना कि क्लीन वाला, तो इसको स्प्रे करेंगे। यस लुब्रिकेंट, आई नो लुब्रिकेंट है। इससे चैन स्मूथ चलेगी बिल्कुल, और जो रस्ट रहता है ना, खस 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 हवा उड़ाती है, वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। ज़्यादा ना मारे, नीचे टपकने लगा है। देखिए हद से ज़्यादा मारने पर यही हाल होता है। सख्त से बोल रहे हैं कि ब्रेक टाइट कर दो, तो अभी मैं करने वाला हूँ उनकी ब्रेक टाइट। ब्रेक टाइट करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर केम को पीछे ऐसे आगे को पुश करना है और जो पीछे गैप बन जाए, ब्रेक पैंडल को ऊपर उठाना है। अभी यहाँ पे बीच में जो गैप बन गया इसको टाइट कर देना है। तो मैं एक बार यहाँ पर कैमरा एडजस्ट करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ प्रेस किया और उसको राउंड घुमाया और ये टाइट हो गया बस। थैंक यू सर। मुंशियारी आने का हमारा जो मेन रीज़न था, यहाँ पर अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं और क्या उसके लिए यहाँ पर घूमने के लिए हैं? यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सारी सुविधाएं जो एक हिल स्टेशन में होनी चाहिए सब लगभग यहाँ पे हैं। ओके, यहाँ पे ट्रैकिंग का सबसे मेन जो याद है मिलम ट्रैकिंग जो है, मिलम नंदा देवी बेस कैंप,
और सारे बहुत सारे रूम। पंचाचुली बेस का यहाँ से रास्ता नहीं जाता, वो धारचूला से जाता है। ओके, तो यहाँ से पंचाचुली का व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से देखने के लिए। बस उसमें जो भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा पंचाचुली का व्यू जितना खूबसूरत यहाँ से दिखता और कहीं से नहीं दिखता। ओके, दूसरा यहाँ पे यहाँ का जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा है। आपको जैसे अभी जनरली नीचे टेम्परेचर चल रहा है 40, तो यहाँ पे 15 से 20 तक का टेम्परेचर रहता है। नेचर से कनेक्ट होने का बहुत अच्छे, नेचर से कनेक्ट होने का यहाँ पे बहुत ही अच्छा वो है माहौल। यहाँ पे योगा कैंप भी चलते हैं। okay. लोग योग करने के लिए आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं यहाँ पे को, और एडवेंचर एक्टिविटीज होती है यहाँ पे को, जैसे पैराग्लाइडिंग हो जाती है यहाँ पे को जी। और ट्रैकिंग तो सबसे मेन बिजनेस हुआ है यहाँ पे को जी सर। ये वैसे ये मुंशियारी जो है ट्रैकिंग के लिए ही फेमस है, मेन है ट्रैकिंग, सबसे ज्यादा ट्रैकिंग के जो टूर जाते हैं यहीं से जाते हैं, फॉरनर भी बहुत आता है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी जगह है ये, तो अभी यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा नहीं है, आपको इजीली होटल भी मिल जाते हैं और हर चीज़ अच्छी से अच्छी सुविधाएं यहाँ पे को, इन्होंने होटल भी अच्छे बनाए हुए हैं और टूरिस्टों के लिए यहाँ के लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल लोग यहाँ पे को रहते हैं। आपको कोई भी टाइप की परेशानी आई तो बिल्कुल आपकी सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। थैंक यू सर। तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आते हैं तो मतलब आपका मुंशियारी बहुत अच्छा प्लेस रहेगा, और ट्रैकिंग के लिए काफ़ी जगह है यहाँ पर, आइए कभी। और हम छोटा सा व्यू आपको, अभी सब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, होटल में आपको एक बार दिखा देता हूँ, और जो होटल का नंबर है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, और एक बार जो होटल के मैनेजर साहब हैं उनसे भी मिल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके पास आना चाहता है बिल्कुल तो कैसे आएगा? कैसे पिथौरागढ़ से आप, दो रूट है हमारे, एक तो बाय थल होते हुए, ओके, थल कालामुनी मुंशियारी, और दूसरा मुंशियारी पहुंचने के बाद क्या कहना है, कहाँ पर? मुंशियारी का हम लोग हैं सरस मार्केट होटल चंद्रा पैराडाइज। ओके, हाँ, और बाकी यहाँ पर आपको अगर ट्रैकिंग में जाना तो खलिया टॉप ट्रैक नजदीक कट रहेगा, तो वो सारी सुविधाएं आप करवा के देंगे? हाँ सर, सारा हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है सर जी, ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आगे तो चलिए होटल को करते हैं बाय बाय, काफ़ी बढ़िया था, मज़ा आया। अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, और सारी गाड़ियां रेडी हैं, देख सकते हैं सारी गाड़ियां यहां पर रेडी हैं, ठीक है, सब रेडी हैं। चलते हैं, अपनी गाड़ी को भी लगा लेते हैं चाबी।
शायद आप एक गिद्ध देख सकते हैं। वैसे गिद्ध तो हर कोई होता है, हमारे पास कई गिद्ध हैं। एक गिद्ध वो हवा में उड़ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। ये बिना मेरे भोजन के ये सब भोजन कर दिया। उड़ो, हट 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 हट। तो मुंशहरी का जो सबसे डेंजरस जोन माना जाता है, उस जोन के अंदर अभी हम हैं। और यहाँ कुछ गिद्ध नीचे हैं और कुछ हमारे सामने हैं। यस, दो गिद्ध सामने दिख रहे हैं, ये गिद्ध ऊपर दिख रहा है। और गिद्ध मतलब चारों तरफ गिद्ध ही गिद्ध हैं, चील हैं। ओके, गिद्ध नीचे हैं, चील ऊपर है, बाज। गिद्ध नीचे है ना, हैं नहीं? पहले आप ये मानते हो कि गिद्ध नीचे हैं? गिद्ध हैं यहाँ सामने मेरे? ओके, यस। सर कुछ मुंशियारी के बारे में बताइए ना। मुंशियारी के बारे में कहना तो मैं ये चाहूँगा, मुंशियारी एक ऐसा हिल स्टेशन कह सकते हैं और ये पिथौरागढ़ जनपद के एक बहुत ही दुर्गम स्थलों में से एक है। ओके, इसकी सुंदरता की का वर्णन कितना भी किया जाए कम है। वाओ, तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। मेरे साथ बैठो, उल्टा बैठो, ऐसा मत करो ना यार, तो डर लग। तुम लोग ये पीछे से बनाएगा ना कैमरा? मेरे पीछे बैठो आप और ऐसे उल्टा पकड़ो। और गहराई देखो नीचे की, गहराई एक बार सब ले लो। सीधे आगे निकलो आगे सबसे। चलो चलते चलो, पर मजे लो सफर को, सफर की तरह मजे लो। ठंडा ठंडा पानी है। एडिटिंग तो करके डालेगा ना तू? यस, जो गलत कहीं पे गलत बोल दिया ना उसको काट दूंगा। हाँ मैं कह रहा हूँ एडिटिंग समझ गया। हाँ पर बादलों में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। अब सोच लो मुंशियारी कितनी हाइट में है, जो बादल भी नीचे हैं। हेलो गाइस, दिस इज मोनू सागर रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड पिक्स हैं और अभी हम आए मुंशहरी टूर पे। तो सबसे पहले मैं इसके बाद बात कर लेते हैं आगे की साइड को। दादा बोलना है? बिल्कुल बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, लद्दाख टूर के बाद ये दूसरा मौका है जब हम इतने लंबे टूर पर निकले हैं और बहुत अच्छी कंपनी है, नए नए यंग लड़के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, काफ़ी डिसिप्लिन वे में हमारा ट्रिप चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत वादी है। मैं 5-6 साल पहले आया था लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग से डिलीट हो गई थी, वो फिर से ताज़ा हो गई हैं।
ये हमारे रॉयल इनफील्ड के ओनर हैं मिस्टर चौहान साहब। आप सर कुछ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं टूर के बारे में, कुछ बताइए। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कुछ हुई? ना हमें तो आप लोग बहुत अच्छा रहा। आप ये बताइए कि ये टूर कैसा रहा, ये आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा, बिल्कुल बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सहयोग रहा। जी है, आप लोगों को परेशानी आपको हुई? ना हमें कोई परेशानी नहीं, हमने तो काफी इंजॉय किया, सभी लोगों ने इंजॉय किया। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सहयोग रहा, बहुत अच्छा लगा। जी जय हो काला मुनि बाबा की जय हो, जय हो काला मुनि बाबा की जय हो। प्यारो उत्तराखंड प्यारो कुमाऊं, प्यारो उत्तराखंड प्यारो कुमाऊं, आज पूज रही हूं मैं बाबा जी का धाम, आज पूज रही हूँ मैं बाबा जी का धाम, बाबा जी का धाम, बाबा जी का धाम। प्यारो उत्तराखंड जय हो कुमाऊं, प्यारो उत्तराखंड जय हो कुमाऊं, आज पूज रही हूँ हमी बाबा जी का धाम, आज पूज रही हूँ हमी बाबा जी का धाम। ओ बाबा जी कर दिया कृपा, बाबा जी कर दिया कृपा, बाबा जी की चल ली कृपा, बाबा जी की चली रे कृपा। अरे ऊंचा डाना मुनस्यारी काला मुनि पूजू, ऊंचा डाना बाबा जी का काला मुनि पूजू, काला मुनि बाबा जी का दर्शन पायूं, काला मुनि बाबा जी का दर्शन पायूं। जय हो कुमाऊं, जय हो कुमाऊं, जय हो कुमाऊं, जय हो कुमाऊं। पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ में मुनस्यारी की लेन अजाया, बाबा जी का दर्शन कर जाया। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी की लेन अजाया, बाबा जी काला मुनि दर्शन कर जाया। जय हो बोल काला मुनि बाबा की जय, बोल काला मुनि बाबा की जय। मिलते हैं ब्रेक के बाद।